गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ छतरपुर। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मुझे छतरपुर जाना है क्योंकि दीदी मुझे बहुत टाइम से बुला रही हैं। दीदी की बड़ी ननंद है और थोड़ा सा मुझे काम है। हाय गाइस, हम लोग की मौसी जा रही है, खुशी हो रही है। इतनी खुशी हो रही है आपको? तो हम आते ही नहीं, आप ऐसा बोल देते तो। समक्ष को कैसा लग रहा मौसी जा रही है? तो बहुत बुरा लग रहा। तुम हंस तो रहे हो, खा तो रहे हो। टीसा आपने लिए लंच लगा रही हूँ क्योंकि आएंगी 4 बजे। दीदी के यहाँ से जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं रुक पाई। ठीक है दीदी। अब हम आ गए हैं क्वार्टर पर। जीजा जी की गाड़ी है वो यहीं रखी रहती है। एक गवर्नमेंट क्वार्टर है, जीजा जी को मिला है अभी BHEL की तरफ से। यहाँ पर रहती हैं दीदी की ननन, जो बीच वाली ननन है, ये टीचर हैं यहीं BHEL में, इसलिए ये यहाँ पर रहती हैं। और अब हम सभी जा रहे हैं झांसी। झांसी पापा और जीजा जी को कुछ काम है, इस वजह से वो वहाँ पर जा रहे हैं और मैं बस स्टैंड पर उतर जाऊंगी। तो पापा बोले लगे कि चलो तुम्हें छोड़ देते हैं झांसी तक। बंसु आ गया है मंजिल लेने के लिए। आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उन्हें पढ़कर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, और कुछ लोग तो मतलब डेली हर ब्लॉग पर मेरे कमेंट करते हैं, जैसे साधना पटेल, वो बहुत ही मतलब मुझे सपोर्ट करती हैं, ज्योति ठाकुर, सुचका दीदी, उषा तिवारी, मतलब आप सभी शायद बड़े हो तो दीदी हैं, और मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब सभी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस ना इतनी ज़्यादा भरी थी फ्रेंड्स कि ब्लॉग बनाना तो पॉसिबल था ही नहीं। मैंने तो मोबाइल भी नहीं निकाला। तो वैसे भाई साहब ले लें पहले। मुझे बस लास्ट में मलाई डाली बस। ये देखो, देख तो अच्छी बात, खाने के बाद पता चलेगा क्या। तुम भी हमारी लवी बहुत बड़ी हो गई है, देखो खाना बनाने लगी। अपनी मम्मी को बना बना कर खिला रही है। इधर आओ मुन्नो, इधर आओ। दीदी के यहाँ रेंट से रहते हैं, ये उन्हीं की लड़की है। कितनी प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी लग रही है। इसकी आंखें देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी, डांस कर रही है, गाना बज रहा है अभी तो। उसी प्यारी सी बच्ची का भाई है, आपने देखा होगा आगे वीडियो में कि इतनी अच्छी ढोलक और तबला बजाता है। फ्रेंड्स इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है ये सब करने का, तो मुझे बताने के लिए आया था कि दीदी ने बोला, लबी ने, कि मेरी दीदी आई हैं उन्हें बजा कर दिखाओ, तो लेकर आया सब और बजा के बता रहा है। तो बहुत ही अच्छे से बजा रहा है, और कितना छोटा है, अभी 8 से 9 या 10 साल का होगा, और बहुत ही अच्छे से बजा रहा है। और एक है लवली का मेरे लिए प्यार, वो हम जब साथ में रहते थे ना तो वो बिल्कुल ऐसे ही करती थी, दिखाओ दीदी मैं तुम्हारी चोटी कर दूँ, मैं तुम्हारे बालों में
तेल डाल देती हूँ, मतलब बहुत प्यार करते हैं सब मुझे, तो बस मुझे मिलने आना था। अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं उस साइड तो जाती ही नहीं जहाँ पर अंधेरा है। तो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ छतरपुर का मार्केट, और छतरपुर में और क्या क्या चीज़ें हैं। दो लड़कियां मेरी, एक लड़का तो निकटेगा, चाला बिल्कुल निकटेगा। तीन लड़के बैठे रहते हैं तब कट्टा चाला। हम आ गए हैं छतरपुर के पीताम्बरा मंदिर में, और प्रसाद ले लेते हैं जो यहाँ पर चढ़ता है, नारियल वगैरह और भी जो भी मिठाई। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं छतरपुर आई हूँ, और लवली और बंसु ने बोला कि चलो दीदी आपको घुमाकर लेकर आते हैं। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, जब ये ब्लॉग जाएगा, जब नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ना मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि हम एडिटिंग कर सकें, तो अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं आ गई हूँ यहाँ पर पीताम्बरा मंदिर, जो कि छतरपुर में है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ के दर्शन कराती हूँ। इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि बस ये लगता है यहीं बैठे रहो। तो मुझे अच्छा लगता है दर्शन करना, मंदिर में आना। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ छतरपुर का मार्केट, छतरपुर का शहर, जो कि बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। अभी नवरात्रि चल रही है, दीदी लवी बंशु बता रहे थे कि दीदी पूरा मार्केट ऐसे ही सजाया गया है, और हर जगह ना राम दरबार लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो राम नवमी है, ये वाली नवरात्रि है, वो बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। यात्रा निकलती है, जगराता होते हैं, भंडारे हर जगह चलते रहते हैं। तो मतलब छतरपुर में ना बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है त्यौहार। तो आप देख सकते हैं पूरे मार्केट को दिवाली की तरह सजाया गया है, और ये है राम दरबार। जैसे नवरात्रि में सजाते हैं ना अपन माता का दरबार, वैसे ही यहाँ पर देखो आप राम दरबार सजाया गया है। और भीड़ तो आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा मार्केट में भी थी, यहाँ पर भी है, और मंदिर में भी थी। तो भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो रही है, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारी इनकी मूर्ति है, राम लक्ष्मण सीता राम दरबार। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और अब हम सभी जा रहे हैं हनुमान टोरिया, जो कि छतरपुर की फेमस है। हनुमान टोरिया यहाँ पर मंदिर है हनुमान जी का, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा छतरपुर शहर, देख सकते हैं आप। हम लोग ना मैन चोटी पर हैं। और ये है शंकर जी पार्वती की मूर्ति, आधे शंकर जी आधे पार्वती। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।